लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होगी। सुबह 10:45 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में ये बैठक शुरू होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे और शाम 4 बजे सीएम योगी बैठक का समापन करने वाले हैं। बैठक में महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगी। तो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है लखनऊ में। सुबह 10:45 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर से इसकी शुरुआत की जाएगी। और आपको बता दें कि समापन मुख्यमंत्री योगी करेंगे, यानी कि वो भी एकदम जब अंतिम चरण होगा बैठक का तो वो उस अंतिम चरण के दौरान जुड़ेंगे और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए। विवेक, जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है भाजपा में, आज महिला मोर्चा की बैठक है, इस बैठक में महिलाओं को क्या कुछ जो टिप्स दिए जा सकते हैं चुनाव क्योंकि सर पर है 2022 का? जी कौशल, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो महिला हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको लेकर तमाम पार्टियां फोकस कर रही हैं। तो महिला शक्ति जो मिशन शक्ति है वो प्रदेश में बहुत बड़ा अभियान चला है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर, उनको सक्षम बनाने को लेकर, उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने बीते 4 सालों में बहुत बड़े काम किए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, पिंक बूथ हो, पिंक स्कूटी हो, पिंक टॉयलेट हो, उनकी सुरक्षा के लिए जो हेल्प डेस्क बनी है, थाने में अगर सुनवाई नहीं होती तो महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनी हुई है, गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और छोटे छोटे उद्योग, चाहे दुग्ध उत्पादन हो या जो सिलाई कढ़ाई है उसको लेकर, इस स्वयं सहायता समूह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चुनाव में लोगों के सामने आनी चाहिए, ये इसका इसकी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। पूरी जो भाजपा की महिला मोर्चा है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो घरों से निकल के तमाम लोगों के घर जाएंगी और वहाँ पर अपनी योजनाओं का, जो सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए उनका प्रचार प्रसार करेंगी, उनको बताएंगी कि क्या क्या योजनाएं, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस अभी भी नहीं है। जैसे निराश्रित महिला पेंशन के बारे में बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जानते हैं, कन्या सुमंगला योजना के बारे में नहीं जानते, उनको बताया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा। सरकार की जो सुरक्षा और स्वावलंबन की नीतियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वनाथी श्रीनिवासन श्रीनिवासन वो भी आएंगी और वो महिलाओं को टास्क सौंपेंगी कि क्या क्या टास्क हो सकते हैं चुनाव में, किस तरह से महिला अपनी रणनीति बना के, जो महिला मोर्चा के सदस्य हैं पदाधिकारी वो अपनी रणनीति बना के आगे चुनाव में जीत का रास्ता कैसे खोलेंगी, ये सब चर्चा होगी। और प्रदेश अध्यक्ष बैठक का उद्घाटन करेंगे, 9:45 के आसपास ये बैठक शुरू होगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इसके लिए अभी से वहाँ पे आना शुरू हो गए, प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और मुख्यमंत्री शाम को 4 बजे समापन अवसर पर इस बैठक को संबोधित करेंगे। ये एक तरह से ये माना जा रहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव है 2022 का चुनाव है, इसके 6 महीने बाकी हैं, उसकी तैयारी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अलग अलग, चाहे वो जातीय आधार पर हो, जो मौर्य समाज है उसके लिए अलग एक सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है, सारे जो मंत्री हैं उनको प्रभार दे दिया है, सारे पदाधिकारी जुटे हुए हैं, तो महिला मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जिसको चुनाव में लगाना अब शुरू होगा। इस आज की बैठक से तय होगा कि महिलाओं की, जो महिला मोर्चा है उसकी इस चुनाव में क्या भूमिका होगी और वो किस तरह से सरकार के जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं वो घर घर तक कैसे पहुंचाएंगी, इस बारे में जानकारी देंगी और महिलाओं को प्रेरित करेंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और चुनाव में उन्हीं को वोट दें। ये सारी चीजें आज इस बैठक में तय होनी है। जी बिल्कुल। और विवेक देखिए, ये बहुत जरूरी भी है कि आधी आबादी को जल्द से जल्द साधा जाए, क्योंकि 2017 के चुनाव को जब हम याद करते हैं एक बड़ा रोल रहा है आधी आबादी का, और ऐसे में जो आज रणनीति बनेगी वो बेहद अहम होगी ग्राउंड के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।